نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم let me introduce myself first my name is samia and I am the student of ada part 1 at himalaya college आज मैं आपको सूरत बकरा के बारे में बताना चाहूंगी सूरत बकरा कुरान पाक की दूसरी सूरत है इसके कुल अल्फाज 6031 हैं और इसके अल्फाज 20,000 हैं और ये मदनी सूरत है सूरत बकरा को कुरान करीम की कुहान और इसकी बुलंदी कहा जाता है इसकी एक आयत के साथ 80 फरिश्ते नाजिल होते हैं ख़ास तौर पर आयतल कुर्सी तो खास अर्श तले से नाजिल हुई है और इसको सूरत के साथ मिला दिया गया सूरत बकरा में एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है और वह सूरत सूरत आयतल कुर्सी है सूरत बकरा ऐसी सूरत है जिसको पढ़ने से शैतान घर से भाग जाता है इसको तीन मरतबा पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है ठीक है और इससे 3 दिन तक शैतान घर नहीं आता इमाम बुखारी हज़रत सैयद बिन हज़ीर से रवायत है कि एक रात उनका घोड़ा उनके पास बंधा हुआ था और वो सूरत बकरा की सूरत पढ़ रहे थे जब वो सूरत पढ़ते थे तो उनका घोड़ा था वो बार बार उछलता था जब वो रुक जाते थे तो घोड़ा रुक जाता था उछलना बंद कर देता था आप फिर सूरत शुरू करते घोड़ा फिर उछलना शुरू कर देता 2-3 मरतबा ऐसे हुआ तो आपने मतलब छोड़ दी सूरत पढ़ना छोड़ दी और अब उनके उनके पास बेटे थे उनके याहिया उनके साहबजादे लेटे हुए थे याहिया तो उन्होंने उनको उठा लिया तो जब वो आसमान की तरफ उन्होंने देखा तो उनको कुछ नज़र आया लेकिन उनसे देखा नहीं गया तो वो सुबह उठ के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाज़िर हुए और उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने एक चीज़ देखी है कोई नूरानी चीज़ है ठीक है छतरी की तरह है उसमें चिरागों की रोशनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या आपने उसको देखा तो उन्होंने कहा मैंने देखा लेकिन मुझसे देखा नहीं गया तो आपने कहा कि आपको चाहिए था कि आप सूरत पढ़ते जाते तो उन्होंने कहा मैंने सूरत पढ़नी छोड़ दी थी तो आपने कहा कि आपको इसका मतलब पता है कि इससे क्या हुआ था तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं था पता उन्होंने कहा कि अगर आप इस सूरत को पढ़ते जाते तो वो जो छतरी नुमा जो चिराग की रोशनी आ रही थी वो फरिश्ते थे अगर आप सुबह तक उस सूरत को पढ़ते सूरत बकरा की मतलब कि सूरत बकरा की आयात पढ़ते रहते तो वो जो फरिश्ते थे सुबह तक उधर ही रहने थे और हो सकता था कि जितने भी लोग हैं उन फरिश्तों को देख लेते क्योंकि सूरत बकरा की सूरत सुन के फरिश्ते जो है कभी उन्होंने वापस नहीं था जाना उन्होंने उधर ही रहना था हालांकि लोगों ने देख लेना था कि फरिश्ते आ रहे हैं फरिश्तों की रोशनी आ रही है लेकिन उन्होंने वापस नहीं था जाना एक मैं सूरत बकरा की आयत बताना चाहूंगी अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम इसे जाहिर करो या तुम इसे छुपाओ अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा फिर जिसको वो चाहेगा बख्श देगा और जिसको चाहेगा अजाब देगा और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है इस आयत में ये कहा गया है कि जो कुछ है चाहे वो आसमान में है चाहे वो ज़मीन में है सब कुछ अल्लाह का है यहाँ तक कि जो कुछ आप सबके दिलों में है वो भी अल्लाह ताला का ही है अगर आपके दिल में कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है वो सब अल्लाह का ही है बेशक तुम इसे जाहिर करते हो या नहीं जाहिर करते ये तुम पर है कि तुमने इसको जाहिर करना है या नहीं जाहिर करना लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों का हाल बखूबी जानता है और उसका वो हिसाब लेगा अगर तो आपके दिल में कुछ अच्छा है तो उसका अजर आपको अच्छा मिलेगा और अगर बुरा है तो उसका तो बुरा ही मिलेगा और ये अल्लाह पर है कि वो आपको अजाब देगा या बख्श देगा हाँ लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा एक तो ये कि जिसने शिर्क किया उसको अल्लाह कभी नहीं माफ़ करेगा और उसके बाद हुकूकुल इबाद जिसने किसी का दिल दुखाया चाहे वो अपना है चाहे वो कोई पराया है और ये है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है दिलों के पोशीदा राज जानने वाला है और वो जानता है कि जो कुछ तुम छुपाते हो और तुम जाहिर करते हो बेशक अल्लाह जानता है कि वो मुखफी है मुखफी रखते हैं और जो अल्लाह जाहिर करते हैं ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर अर्ज किया अगर अल्लाह ने
छोटी छोटी बातों का हिसाब लिया तो हमारी ताकत बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाएगी, हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूद की तरह ना कहो, तुम यहूद की तरह ना कहो कि हमने सुना और ना फरमाने की, बल्कि तुम यूँ कहो कि हमने सुना और इसकी अतायत की। फिर ये है कि अल्लाह ताला दिलों के पोशीदा राज जानता है और उसका आपको, अगर आपके दिल में अच्छा है या बुरा है, उसके हिसाब से आपको उसका अजर देगा। और माफ़ करना और अजाब देना सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। अगर आप अच्छे और नेक अमाल करेंगे तो अल्लाह आपको बख्शिश देगा, और अगर बुरे होंगे तो अजाब तो फिर नाज़िल ही होगा। आपको पता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब कौम थी तो उन पर कैसा अजाब नाजिल हुआ था, बस इसी तरह जिस जिसने गलत काम किया उस पर ऐसे ही अजाब नाजिल हुआ। तो ये थी मेरी आज की सूरत बकरा की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। जज़ाकअल्लाह।